अस्सलाम वालेकुम माय होम बेकरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, मुतमइन होंगे। अल्लाह ताला यूं ही आपको हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। तो आज हमारी होम बेकरी में क्या बन रहा है जी? आज हमारी होम बेकरी में एक पिंक कलर का केक डिकोर हो रहा है। तो केक को हमने गनाश लगा के फ्रिज में रख दिए, फोंडेंट हमने बेल लिए। तो चलें जी, अब हम इसको डिकोर का काम शुरू करते हैं। केक लेके आते हैं फ्रिज से और उसको कवर करते हैं, और फिर बाकी उसका देखते हैं कि उसकी डिकोर हम कैसे करेंगे। चलो जी, केक आ गया हमारा, अब हम इसके ऊपर फोंडेंट डालते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा पीछे गैप आ गया ना, इसको अब हम बॉर्डर से कवर करेंगे। ये आना नहीं चाहिए था, तो मैंने जब रखा है ना, तो मैंने ये जान के अब आज किया है ताकि आपको मैं ये भी बता सकूं कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आपने इसको कैसे कवर करना है। अपने केक को आप नीट कर लें अच्छा सा, उसके किनारे एक सारे काट दें, एजिस काट लें, पहले अच्छा सा उसको नीट कर लें, और फिर जो कोई आपकी कमी रह गई है ना, फिर उसको कवर करें। उसके लिए बेस्ट तो ये है कि आप देख लें कि गैप कितना, उसी हिसाब से बॉर्डर लगा दें उसके ऊपर, उतना चौड़ा बॉर्डर लगा दें। या अगर आपके पास कोई बॉर्डर का मोल्ड नहीं है तो आप वैसे सिंपल रिबन की तरह काट के वो लगा दें। तो मेरे पास ये बॉर्डर था थोड़ा डिज़ाइनिंग में, मैंने ये लगा दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे ना कि बॉर्डर छोटा है और नहीं कवर होगा, तो सिंपली थोड़ी सी फोंडेंट को बेलें। मैंने तो बेला भी नहीं, ऐसे हाथ से करके उसको ऊपर रख के और अपना एडिबल ग्लू लगा के उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया, उससे ये था कि वो कवर हो गया। और कोशिश किया करें कि आपका अगर कोई कमी और खामी आ रही है ना, तो उसको केक में पीछे निकाल दें, फ्रंट पे ना आए। पीछे का इतना मसला नहीं है, लेकिन फ्रंट पे नहीं आना चाहिए। केक को बड़ा अच्छा सा आप कवर कर लें, और अगर थोड़ा सा दबा के आप करेंगे ना, अगर कोई बल आ गया या कुछ हो गया, तो अगर आप उसको थोड़ा सा दबा के करेंगे ना, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादा भी नहीं दबाना कि आपका केक ही वो हो जाए, प्रेस हो जाए। तो मैंने फिर ये किया था कि बॉर्डर लगा के उसके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्ड का टच दे दिया था, उससे भी वो एकदम से लुक जो है ना, वो चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, बस हल्का हल्के से स्ट्रोक ही किए थे और टच ही किया था। उसके बाद केक के ऊपर भी आपकी डिज़ाइनिंग आपकी अपनी है कि आपने उसको क्या करना है। मैंने उस पर थोड़ा थोड़ा सा गोल्ड का टच केक पे भी दिया था। और ये हमारी गम पेस्ट आ गई, ये वही गम पेस्ट है जिसकी रेसिपी बिल्कुल मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी। ये एडिबल ग्लू की भी है हमारी रेसिपी मेरे चैनल पर। तो फिर आपने जो भी अपना डिकोर करना है ना, उसको आप देख लें आपने कैसे करना है। मैंने तो ऐसे सिंपल बॉल्स बना के उनको पिक पे लगा के, तो कुछ ऐसे किए थे, कुछ लीफ बना के लगाए थे और कुछ रोजेज बना के लगाए थे। ये सिंपल से डेकोरेशन होती है जिससे केक की एकदम से लुक चेंज हो जाती है। छोटा सा एक बॉल बनाएं, गोल करें उसको बिल्कुल अच्छा सा, और उसको डिबल ग्लू में डिप करें टूथपिक को, और इसके अंदर लगा दें। ऐसे कुछ 6-7-8-10 बना लें अपने केक के साइज़ के हिसाब से, जितना बड़ा आपका केक है। मैंने मेरे ख्याल 8 बनाए थे शायद। फिर इसके अलावा ये लीफ प्लंजर्स आते हैं, इसमें लीफ की बनी होती है, शेप बनी होती है, और उसका टेक्सचर भी आ जाता है जब रख के जो प्रेस करते हैं ना, तो इसके ऊपर लीफ का सारा टेक्सचर आ जाता है। और इसको भी आप ऐसे ही करें कि इसके पीछे टूथपिक्स लगा लें, क्योंकि कुछ आप स्टैंडिंग पोजिशन में जब आप करेंगे ना, तो टूथपिक लगी हो ना, तो बड़ी अच्छी सी स्टैंडिंग पोजिशन आ जाती है। और इसके पीछे कभी भी दो कोना जोड़ा करें, उससे क्या होता है कि वो लुक इतनी नीट नहीं आती, वो पीछे से उसके किनारे इतने। मैं तो यूँ करती हूँ कि हल्का सा उस पर डिबल ग्लू लगा के ऊपर टूथपिक रख के प्रेस कर दी, और फिर वैसे एक छोटा सा पैच लगा देती होती हूँ फोंडेंट का, उससे ये होता है कि वो नीट लुक आती है, बारीक बनता है, और वो लुक बड़ी अच्छी सी आती है। और रोज़ बनाने के लिए आपने ये करना है कि ये रोज़ डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े साइज़ का बनाना है। तो एक जो मीडियम सा रोज़ होता है, उसके लिए अब ये एक ड्रॉप की शेप बनाएंगे, जैसे आई ड्रॉप होता है। इस ड्रॉप को एक बना के जो उसकी बारीक वाली साइड है उसको ऊपर करेंगे, जो मोटी वाली साइड है उसको नीचे करके टूथपिक लगा के रख लें। और रोज़ बनाने के लिए आप
अगर आपके पास कोई कटर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप मैं आपको बगैर कटर के भी बनाना सिखा दूंगी। मेरे पास ये था तो मैंने इससे इसकी पत्तियाँ कट कर ली थी, और ये डिपेंड करता है कि आपका रोज़ कितना बड़ा है उसी हिसाब से कट होंगी। 15-16 का होता है, 20 का होता है, 22 का होता है, तो जितना बड़ा आप पत्तियाँ लगाते जाएंगे आपका रोज़ बड़ा होता जाएगा। तो ये जो फोमिक पैड होता है इसके ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करके उसके ऊपर जो बॉल टूल होता है उससे जो लीफ है उनको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ना, तो वो लीफ पतला भी हो जाता है और उसकी लुक भी बड़ी अच्छी सी चेंज हो जाती है। बस ऐसे ही जो आपने ड्रॉप बनाया हुआ है उसके इर्द गिर्द उनको रैप करते जाएं। ये जब आप रैप करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि अब मैंने नेक्स्ट जो लीफ है या नेक्स्ट जो पत्ती है वो मैंने कहाँ लगानी है। ये जब आप लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने 3 रोज़ बनाए थे और कुछ लीफ बना लिए थे और कुछ बॉल्स बना लिए थे, और इससे फिर मैंने केक को डिकोर किया था और उसको हल्का हल्का सा गोल्ड का टच दे दिया था। कुछ लीफ मैंने कंप्लीट गोल्ड कर दिए, कुछ को हल्का हल्का सा टच दिया था। ये फिर फर्दर आप जैसे केक देखेंगे वैसे आपको समझ आती जाएगी, और पत्तों को लगाते जाएंगे, फूल के फूल बनाते जाएं, और पत्ती को हल्का हल्का सा टर्न करते जाएं हाथ से ना, हल्का सा टर्न करके उसको शेप देते जाएं। जितना बड़ा आपने रोज़ बनाना है उतनी ही आप करते जाएं, उसको पत्तियां लगाते जाएं। और नेक्स्ट जो आपने पत्ती लगानी है ना थोड़ी सी नीचे लगानी है, यानी जहाँ पे पहले लगाई है उसे थोड़ी सी नीचे कराएंगे तो वो खुद ब खुद ही खिलता जाता है। और ये बॉल टूल और ये फोमिक पैड से बड़ा अच्छा होता है, फोमिक पैड से ये होता है कि वो प्रेस बड़ा अच्छा होता है। तो ये भी एक दफ़ा की ये चीज़ें हैं, ये किसी दिन मैं आप इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि आपको फोंडेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है लेनी चाहिए। वो ज़्यादा ना लें लेकिन जो ज़रूरी है वो तो कम से कम लें ना, जिनके बगैर काम नहीं होता। बाकी ये प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आता जाएगा। देखिए कितना प्यारा सा माशाल्लाह बन गया। इसके बाद उनको किसी भी फॉर्मिक पैड पे लगा के रखते हैं ताकि वो थोड़े से ड्राई हो जाए, और मैंने उनको हल्का हल्का सा गोल्ड का टच दे दिया था। तो टूथपिक लगा के जहाँ जहाँ पे आपने रखना है, जो भी आपका टैक्स है वो लगाएं, हैप्पी बर्थडे का है, एनिवर्सरी का है, जैसा भी है। कलर आप अपने हिसाब से चेंज करें, वाइट केक बना के ऊपर रेड रोजेज लगा दें, जैसे भी आप करना चाहें। ये कंप्लीट आपकी अपनी क्रिएशंस है। इसमें फिर हफ्सा मेरी हेल्प कर रही थी, ये मुझे गोल्ड कर करके देती जा रही थी और मैं लगाती जा रही थी। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे भी आपको मुनासिब जगह मिले वहाँ पे आप लगाते जाएं, और डिकोर कोशिश करें कि पहले बना के रख लें। देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा केक रेडी हो गया है। होपफुली मैं बिल्कुल आपको समझा पाई हूँ कि सिंपल सा बर्थडे केक हम कैसे रेडी करेंगे। बिल्कुल इसको बनाएं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, खुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने दिलों को और अपने दस्तरखान को बड़ा कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगेबान।